हरियाणा सरकार प्याज की खेती को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की शुरुआत की गई है। खेती करने के लिए पैसा भी मिलेगा और बीज पर छूट भी दी जाएगी। किसानों को खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की दो किस्मों की खरीद पर 500 रुपए प्रति किलोग्राम की छूट दी जाएगी। किसान भाई इस योजना के लाभ के लिए दी गई हिदायतों को पूरा कर बीज केंद्रों से ये लाभ उठा सकते हैं। एक किसान छूट पर अधिकतम 8 किलो बीज ले सकेगा, यानी उसे 4000 रुपए का फायदा मिलेगा। यहां प्याज की खेती करने वाला किसान एक सीजन में 44000 रुपए तक की मदद ले सकता है। AAFDIR किस्म की प्याज के बीज का दाम 1950 रुपए प्रति किलो है। 500 रुपए की छूट के साथ ये 1450 रुपए के रेट पर मिलेगा, जबकि भीमा सुपर किस्म का भी यही रेट पड़ेगा। बीज बिक्री केंद्र करनाल हिसार के साथ नूह से इसे लिया जा सकता है। बिक्री केंद्र में फोटो सहित पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कॉपी देनी होगी। किसान भाई बहन इस संबंध में अपने जिला बागवानी अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं प्याज की खेती करने के लिए सरकार किसानों को 40000 रुपए तक की मदद दे रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत खरीफ सीजन में प्याज की खेती के लिए प्रति एकड़ 8000 रुपए मिलेंगे और ये मदद अधिकतम 5 एकड़ तक ली जा सकती है। शर्तों को पूरा करने पर सीधे तौर पर पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी खेती के लिए प्रोत्साहन राशि और बीज पर मिल रही छूट मिलाकर किसान 44000 रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सभी संबंधित कागजात अपने जिले के बागवानी अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे। इसमें राजस्व रिकॉर्ड सबसे अहम होगा। इसके अलावा फोटो, आधार कार्ड नंबर और बैंक पासबुक की कॉपी भी जमा करानी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 के दौरान हरियाणा में 23000 हेक्टेयर में प्याज की खेती हुई है, जो देश का 1.66 था, जबकि 61000 टन प्याज का उत्पादन हुआ था। यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 25704 किलो रही, जो देश में सबसे अधिक है। यहां तक कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी, हालांकि साल 2018-19 में यहां 32000 के हेक्टेयर के आसपास प्याज की खेती हुई थी। हरियाणा में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाला जिला मेवात है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।